मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनामुर रहमान एंड टुडे आई विल कंटिन्यू चैप्टर टू फ्रॉम सिविक्स क्लास सेवन एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर. टुडे आई विल फिनिश दिस चैप्टर. ऑलरेडी आई हैव मेड पार्ट वन पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. आज हम लोग बात करेंगे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या वो सारे लोगों तक एक समान रूप से पहुंच पाते हैं, या कुछ लोगों तक पहुंचते हैं या कुछ लोगों तक नहीं पहुंचते हैं. तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को पता है कि भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो डिटेरियरेट कर रहे हैं दिन ब दिन. उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है. लेकिन बात यहाँ पे है कि देश के सारे लोग जो हैं, सारी जनता, टोटल पॉपुलेशन प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर सकती है, उनके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता है, उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं और उसके फीस वो अदा नहीं कर पाएंगे. इसीलिए उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है. देश की लगभग 20% आबादी अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे अस्पतालों में करा सकती है. इसका एक फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यूज़ भी आ जाते हैं और साथ में पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ थोड़ी भीड़ कम हो जाती है इलाज करने के दौरान. लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हो पाती है. लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ बेहतर इलाज, ऑपरेशन के बेहतर इंतज़ाम और दवाइयाँ, साथ में टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाती है. अंडर वन रूफ ऑल द फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एंड यू नीड नॉट टू गो आउट फॉर एनीथिंग. तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए. लेकिन देश की एक बड़ी आबादी है जो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती है. तो इसमें सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि पब्लिक हॉस्पिटल जो हैं, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए. और ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं हो पाते हैं जो फैसिलिटीज़ शहरों के हॉस्पिटल्स में होती है, जिस वजह से काफ़ी लोगों की जाने जाती हैं. और देश में, हमारे देश में एक सबसे बड़ी परेशानी है कि जो वुमेन हेल्थ केयर है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है. ये काफ़ी ज़रूरी है कि औरतों की सेहत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. और साथ में जो गांव में जो ट्राइब्स जो रहते हैं उनको भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती है. तो सरकार को चाहिए कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करें, अच्छे इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है हॉस्पिटल्स में रखे, ताकि जल्द से जल्द मरीजों का ऑपरेशन हो सके, इलाज हो सके और उनकी बीमारी की जांच की जा सके. कुछ लोगों को उधार लेना पड़ता है, बहुत लोगों की जायदादें बिक जाती हैं इलाज करवाने में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वजह से, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा होती है. कुछ लोग तो करा ही नहीं पाते हैं, बिना इलाज के ही मर जाते हैं. अब बात यहाँ आ रही है कि व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर हेल्थ. अब इसके अलावा और क्या चारा है, दूसरा क्या उपाय हो सकता है. तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जो है सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की स्थिति काफ़ी दयनीय है. अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे खर्च करें और लोगों के इलाज पे ज़्यादा से ज़्यादा बजट को जो है सो खर्च किया जाए और बजट में ज़्यादा अमाउंट जो है सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए रखा जाए, जो नहीं रखा जाता है. क्योंकि लोग जब हेल्दी होंगे तभी एक हेल्दी कंट्री का निर्माण हो सकता है, स्वस्थ लोगों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है. लेकिन पता नहीं भारत में इतने सालों में आज़ादी के बाद अभी तक सारी चीज़ों पे पैसा खर्चा किया जाता है,
पैसा हेल्थ पे भी खर्चा किया जाता है लेकिन पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाता है जो सही जगह होना चाहिए। करप्शन इतना ज़्यादा है हमारे कंट्री में कि जो भी पैसे आते हैं वो ऑफिसर्स और लीडर्स मिनिस्टर्स के पॉकेट में चले जाते हैं। सरकार को ये बात पता है, जब एक आम आदमी को पता है तो उनको सरकार को भी पता होगा, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार ने आँख मूंदा हुआ है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है सो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है हमारे देश में। दो ऐसे जगह हैं, दो जगहों ने ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने इतने ख़राब परिस्थिति में भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की है। पहले नंबर पे केरला का आता है। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने जो है सो स्टेट का जो बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा फंड जो है सो केरला गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए निकालना शुरू किया, जिसके वजह से आज भारत में केरला में जो है सो लगभग बाकी स्टेट से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो है सो प्रोवाइड की जाती है। हालांकि उसमें भी कुछ कमियां हैं अभी भी, ज़्यादा रूरल लेवल पे अगर देखा जाए, ज़्यादा इंटीरियर इलाके जो हैं उनमें, लेकिन मिला जुला कर अगर देखा जाए तो बाकी राज्यों से काफ़ी बेहतर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है। कुछ कमियाँ हैं जिनको सरकार की ज़रूरत है उन कमियों को पूरा करने की, उनको सरकार पूरा करेगी और कोशिश भी कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ में से कंट्रीज़, इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में रक्षा मामलों के लिए, रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बजट के लिए निकाला जाता है। टोटल बजट का 60% जो है सो डिफेंस के लिए निकाल दिया जाता है और उस 40% में देश की बाकी चीज़ें जो है सो की जाती हैं। कोस्टारिका ने क्या किया कि एक रुपया भी उन्होंने डिफेंस पे, आर्मी पे खर्चा नहीं किया। उन्होंने फैसला कर लिया कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है बजट का हेल्थ पे जो है वो खर्च करेंगे। और अभी पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट कंट्री के नाम से कोस्टारिका जाना जाता है। वहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है सो बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है और एमिनिटीज जो प्रोवाइड करती है लोगों को, साफ़ पानी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, रहने के लिए अच्छा मकान, साफ़ सुथरा, इन सारे प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स पे प्लानिंग करके ढेर सारे पैसे खर्च किए जाते हैं और एक हेल्दी नेशन का जो है उन्होंने निर्माण किया है। ये बाकी देशों को इससे सीख लेना चाहिए। हम लोग, हमारे देश में भी पैसे की कमी नहीं है लेकिन पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं हो पाता, तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ से सीख लेना चाहिए। और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे देश में जो परेशानियां हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, उसको दूर करने के लिए पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकार को। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर जैसे मैं डालता हूँ, मेरे क्वेश्चन आंसर काफ़ी क्लियर रहते हैं, आप लोग पास कर करके उसको लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।